गाड़ी है? अरे हम लोग का ही गाड़ी है। गाड़ी कहाँ से लाए? ये हम लोग का जमीन है, यही जमीन में एक कंपनी बैठ रहा है, तो वही कंपनी वाले हमको पैसा दिया है, वही पैसा से मोटरसाइकिल खरीदे हैं। और अब हम लोग को गाँव में रहने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग शहर में जाकर आराम से रहेंगे। सुनिए ना, क्या हमारी गांव में कंपनी आने वाली है और जमीन जाने वाली है, क्या ये सच्चाई है? हाँ सच बात है, हम लोग का गांव में कंपनी आने वाला है। कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज है, लेकिन हम लोग के लिए जमीन है। स्कूल से जल्दी क्यों आई? स्कूल बंद है। ठीक है मैया, जाओ कपड़ा बदल के खाना खा लेना। पहले हम इनके रोजगार हो चल गए, स्कूलों अब बंद हो गया, जमीनों एकन अब हर पे ला सोचत बड़न, एकन के सुझल बा ना हम इन्हें के खेत जमीन के, हर कोई कोनो के गरीब आदमी हम इन्हें आदिवासी के जमीन के एकन के खूब हुई थी सुझल है। पता नहीं ये मुसीबत कब तक रहेगा, इसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम इन अनपढ़ गाँव और का जनाब, कोई जानकार व्यक्ति रहे होले बता थे ना। ओ देखिए मास्टर जी आ रही है, उसको इस विषय में जानकारी है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बारे बताते हुए मैंने सुना है। दीदी जी, स्कूल कैसे बंद हुआ? अरे वो स्कूल की जमीन को ना कंपनी ने ले लिया है, इसीलिए बंद हो गया। तो वही मैं इस डीसी ऑफिस जा रही हूँ ताकि सही तरह से उसका कार्रवाई होगा, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण कानून है ना 2014 का, उसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा के बिना अनुमति के भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। और जो हम लोग का गांव का क्षेत्र पड़ता है वो 5वीं अनुसूची में पड़ता है। अच्छा दीदी, हम चटाई लेके आते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं हम लोग, और ये भूमि अधिग्रहण और 5वीं अनुसूची क्या है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। दीदी, भूमि अधिग्रहण और 5वीं अनुसूची क्या होता है आप हम लोग को बताते तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पेशा कानून को मान्यता दिया गया है, जिसमें आदिवासी बहुलक क्षेत्र अनुसूची 5 के अंतर्गत ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि उस क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी जल जंगल और जमीन है उसका संरक्षण हो। और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने के पहले 80% स्थानीय लोगों का सहमति भी अनिवार्य है। 80% का मतलब होता है 100 में 80 लोगों की सहमति। अच्छा दीदी, हमारे यहाँ तो ऐसा किसी से सहमति नहीं लिया गया है, हम लोग जानबे नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण कैसे हो गया यहाँ? यही तो पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है। अरे वो दीदी आ रही है, उनसे पूछते हैं नया जगह में कंपनी क्या सुविधा दिया है। कैसा है आप? ठीक है। और नया जगह में कैसा रह रहे हैं, सुविधा सब कैसा है? का ठीक रहबे ना, हुआ पानी केर ना, छो मनले स्कूल केर ना, अस्पताल केर, कोनो कर व्यथी न खे। ऊपर से बढ़िया तो हम इनकर गाँव में घर रहे, पहले उस जगह सब चीज मिलत रहे, सब चीज के सुविधा रहे, का कर दे। पहले कंपनी तो आप लोग को बताया था कि सारा सुविधा देंगे। कंपनी जमीन लेवे ले बहुत बड़का बड़का बोले ला, मगर वो कुछ नहीं करे, जान लेवा। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जब तक पुनर्वास का सही व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक किसी को विस्थापित नहीं किया जा सकता। पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल और रोजगार की सही व्यवस्था करना आवश्यक है। अगर किसी परिवार को रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस परिवार को साल भर
प्रत्येक माह मतलब हर महीना 3000 रुपया देने का ही प्रावधान है। काम स्टूडेंट आज ही क्लास ले थे इसका और तोरे कोनो काम धाम नखे एखन ये बैठा। तुम हम लोग को क्यों नहीं मना करेंगे, क्योंकि तुम तो पहले ही पैसा ले लिया है, इसीलिए ना हम लोग को मना कर रहा है। कितना पैसा मिला है तुमको? अरे एक एकड़ में 10,000 मिल गया, का बुझाता तो के? भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार मूल्य से तुमको तो 4 गुना ज्यादा मिलना चाहिए था पैसा, तुमको तो कुछ भी नहीं मिला है फिर भी तुम खुश हो? अरे साला 4 गुना, तब तुम ठकाए गए, जा तुम वहाँ कंपनी वाला मन के पैसा घुरा के मोह जमीन नहीं देबू। ठीक है तब मैं चलती हूँ, अब डीसी ऑफिस भी जाना है हमको। नहीं दीदी, हम लोग भी साथ में जाएंगे। ठीक है चलिए।